जहां नवरात्रे चल रहे हैं, वहीं नवरात्रों को लेकर विशेष खाना जो है करनाल के विंटेज किचन द्वारा यहां पर आयोजित किया गया है। हम आपको बता दें कि पूरा नवरात्रा फेस्टिवल विंटेज किचन के साथ आप खास तौर पर मना सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि विंटेज किचन की तरफ से ना सिर्फ नवरात्रा थाली बल्कि उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह के स्पेशल फूड्स यहां पर जो है यहां पर अवेलेबल है। स्पेशल जो पनीर का आइटम है, पनीर टिक्का आप देख सकते हैं, आलू कटलेट देख सकते हैं, कुट्टू के आटे का विशेष तौर पर यहां पर जो स्नैक्स है वो यहां पर प्रिपेयर किया गया है। वहीं खास बात यह है कि स्पेशल तरह के जो फूड ड्रिंक्स है वो भी यहां पर अवेलेबल है। इस समय आप देख सकते हैं कि छोटा सा मेनू जरूर है लेकिन एक अच्छी प्रिपरेशन यहां पर जो है नवरात्रों के मौके पर जो विशेष खाना यहां पर बनाया गया है आप उसकी तस्वीरें समय देख रहे थे। और हमारे साथ जो शेफ हैं विंटेज किचन के वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर आप बताएं कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने की है, काफी कस्टमर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या क्या चीज़ आपने यहां पर नवरात्रों पर विशेष तौर पर बनाई है? गुड इवनिंग। हमने जैसे कि हर जगह देखते हैं आप एक नवरात्रा थाली ही हर कोई प्रेजेंटेशन करता है, हमने यहाँ डिफरेंट किया है। हमने यहाँ पे स्नैक्स और मेन कोर्स अलग अलग डिफरेंट किया है। स्नैक्स में हमने फ्रूट तंदूरी फ्रूट प्लेटर रखा है जिसमें आप 5 टाइप्स के फ्रूट्स हैं, और हमने अलग से एक पनीर टिक्का रखा है जो स्पेशल नवरात्रा के लिए है, हरियाली पुदीना पनीर टिक्का। और एक हमने कुट्टू के कटलेट्स रखे हुए हैं, और हमने रखा है तवा आलू चाट, और जैसा कि हमने एक स्पेशलिटी एक टिक्की भी रखी हुई है, फलाहारी टिक्की कुट्टू की। और उसके साथ साथ हमने कुछ अपने मॉकटेल्स भी रखे हुए हैं जो कि पूरा हटके और कहीं करनाल में कहीं आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ विंटेज किचन में आइए और इन चीज़ों का लुत्फ उठाइए। तो ये आप सुन रहे थे कि किस तरह से विंटेज किचन के जो शेफ हैं उन्होंने बताया कि विशेष तरह के यहाँ पर जो फूड्स हैं वो यहाँ पर जो है नवरात्रों पर आपको अवेलेबल रहेंगे। वहीं इस समय जो विंटेज किचन की ओनर हैं अंकिता जी वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। अंकिता जी आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करनाल के लिए किया है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे करनाल वासियों को किस तरह से यहाँ पर जो फूड है वो आप प्रिपेयर यहाँ पर नवरात्रों में दे रहे हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। फिर मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि विंटेज किचन में सबसे स्पेशल यहाँ पे थाली से हटकर आपको बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे। आप एक बार आइए और इनका लुत्फ उठाइए। और सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट को हम अपना न्यू मेन्यू लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस आने वाले दशहरे पे और करवा चौथ पे भी यहाँ पे काफी अच्छे इवेंट्स होने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे कि किस तरह से विंटेज किचन की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर करनाल वासियों के लिए यहाँ पर समय समय पर विशेष तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं। वहीं सबसे खास बात विंटेज किचन की ये है कि यहाँ का जो फूड है वो काफी यम्मी है और जो यहाँ की प्रिपरेशन है वो अपने आप में ही लाजवाब है। कमल मिड्डा, करनाल बेकिंग न्यूज, करनाल। आज नवरात्रे के उपलक्ष्य में हम यहाँ विंटेज किचन आए थे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, डेकोरेशन तो है ही अच्छी, करनाल की एक बहुत अच्छी जगह है, हैपनिंग जगह है। और पहली बार हम यहाँ पे, वैसे तो खाना खाने बहुत बार आते रहे पर नवरात्रे में पहली बार आए हैं, और एक्सलेंट फूड, मतलब नवरात्रा का खाना बहुत ही बढ़िया, एक्सलेंट फूड, एक्सलेंट सर्विस, और प्रेजेंटेशन तो इनकी बिल्कुल you know, जिसको कहते हैं कि हम दिल्ली वगैरह में जो प्रेजेंटेशन देखते थे कि फूड को कैसे प्रेजेंट करते हैं, टेस्टी फूड तो पहले भी करनाल में मिलता था लेकिन प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ कमी होती थी, वो चीज़ इन्होंने पूरी करी है। और बिल्कुल भी जो नवरात्रा खाना है, जैसे हम कई बार जाते हैं तो देखते हैं बहुत ऑयली होता है, पर यहाँ पर जो खाना है वो बिल्कुल ऑयली नहीं है, और जिससे कि वो थोड़ा सा इसको हम हेल्दी भी कह सकते हैं। तो मैं तो आज के बाद ये प्लान किया है कि नवरात्रा के ऊपर तो हम कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे आएंगे, क्योंकि एक नवरात्रा पे बाहर आके इतना अच्छा खाना खाना एक बड़ा इंजॉयबल एक्सपीरियंस था। I'm
भर के।